तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने चार्जर लगा लिया है। ये मैंने इसका माइनस को यहाँ पे इस तरह से कुछ सेट कर दिया है, और यहाँ पर ये मेरा एम्पियर लगा हुआ है। आप जैसे कि ये केबल देख रहे होंगे, बिल्कुल यहाँ पर जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको इसके इनपुट वोल्टेज दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर चेक किया तो देखिए, ये देखो 5 वोल्टेज आ रहे हैं, डीसी आ रहे हैं। अब मैं इसके आउटपुट में वोल्टेज चेक कराता हूँ सबसे पहले, कि आउटपुट में इसको वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिला, क्योंकि इसके हिसाब से ये बिल्कुल एम्पेयर नहीं ले रहा है। तो इसके हिसाब से बिल्कुल ये खराब होना चाहिए, मतलब चार्जिंग है इस सेक्शन आपका काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसको चेक करता हूँ, देखिए यहाँ पर 0 है। चलो मैं यहाँ भी चेक करके दिखा देता हूँ, ये देखिए कोई भी यहाँ पर वोल्टेज नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है आउटपुट में। ये इसका चार्जिंग सेक्शन है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20 वोल्ट का IC, और ये बूस्ट कॉइल और कुछ कैपेसिटर और ये कोड रजिस्टर लगा हुआ है। कोड रजिस्टर आउटपुट में होता है, इसको मैं चेक करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पर लगाया, यहाँ पर भी आपको कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। इस पर मैं पूरा वीडियो बना दूंगा, पर मुझे कम से कम 500 के ऊपर लाइक चाहिए। जितने लोग देख रहे हो उतने लाइक कीजिए। 500 पर जैसे मुझे लाइक मिलता है, मैं इसका कंप्लीट एक सोल्यूशन। हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं देवता नगर वाले एशिया टेलीकॉम। आप सोच रहे हैं मैं क्यों पहना हूँ, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। तो ये है एक नॉर्मली ऐसी जो मेडिसिन की दुकानों में मिलता है। बेसिकली ये मैंने यूज़ किया है कोरोना वायरस के लिए, नहीं मैं बता रहे, ये मैंने यूज़ किया हुआ है, ताकि जब मैं यहाँ पर देखिएगा, जब मैं यहाँ पर काम करता हूँ और जब मैं अपना सोल्डिंग यूज करता हूँ इस तरीके से, और जब मैं इसको यूज करता हूँ, तो देखिए ये जो धुआं आपको दिख रहा होगा निकलते हुए, ये धुआं सीधे ना, और ये धुआं सीधे आपके मुंह के अंदर जाता है। तो ये जो बेसिकली धुएं को रोकता है मुंह से जाने से, और बस इसलिए ताकि मेरे को खांसी ना हो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना जाए धुएं से, क्योंकि धुआं भी एक तरह से बहुत हानिकारक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये आप इसको परचेज कर सकते हैं, और ये मेडिकल किसी शॉप से ले सकते हैं। नॉर्मली आपको 50 रुपये या उससे भी कम में 10-15 रुपये, पता नहीं जितने भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने आज आपको वीडियो बनाया है, ये वीडियो प्रैक्टिकली यहाँ पर आपको बताया है, और ये वीडियो मैंने बताया है, ये देखिए मैंने इस डिवाइस पे कि किस तरीके से आप इसको चार्जिंग का लीकेज आप पता कर सकते हैं, चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, चार्जिंग फेक चार्जिंग, सारी चीज़ें। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो में कंप्लीट सोल्यूशन मिला है। और इस वीडियो में मैंने आखिरी में एक ये भी बताया है कि अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और दिए गए चैनल जो मैंने बताया ऐसे टेलीकॉम, उस पर जाकर आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं, तो इस आखिरी में एक चार्जिंग का जो सर्किट है वो पूरा मैं आपको ड्रॉ करके किस तरीके से उसको चेक करें, जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट में बताता हूँ, जैसे अपनी क्लास में बताता हूँ, वैसे ही मैं आपको बताऊंगा, और एक आपको एक अच्छा सर्किट यहाँ पर आपको मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको सर्किट देखने को मिलेगा, वो तभी मिलेगा जब आप ये वीडियो को 500 के ऊपर लाइक आप देंगे, और उसको सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा है, और तभी मैं आपको इस वीडियो का जो रियल आउटपुट है वो दूंगा। अभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में अभी तक किसी ने भी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, ना हिंदी में ना इंग्लिश में। तो ये आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखिएगा कि क्यों ये लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। और अगर आपको ये परचेस करना है, तो नीचे ZX मलिक का नंबर दिया हुआ है, ZX इसको परचेस करो। ये आपको इंडिया में किसी भी जगह कितने रुपए का भी मिल रहा हो, आप एक बार मलिक के पास जाओ, ZX मलिक को उसके दिए गए नंबर पर उसको व्हाट्सअप करो, उसको कॉल करो, और बताइए कि भाई ये कितने रुपए का है, और अपने प्राइस ओपन करो, और अगर आपको वो जितने भी प्राइस आप बताओगे उससे 10% बिलो ही आपको मिल जाएंगे, तो सबसे अच्छा है। दोस्तों एसर टेलीकॉम को सपोर्ट करो। यहाँ पर आईफोन की ट्रेनिंग दी जाती है, EMMC की ट्रेनिंग दी जाती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उन स्टूडेंट जिनको बेसिक नहीं पता, जिनको डायग्राम कैसे रीड करते हैं, स्कीमेटिक क्या होता है, बिना डायग्राम के कैसे काम करना है, सेक्शन वाइज क्या फॉल्ट होते हैं, EN सिग्नल क्या होते हैं, किसी भी चार्जिंग का इनपुट आउटपुट, जो बाकी कैपेसिटर्स होते हैं वो क्यों लगे होते हैं, एक जो अगर हम बात करें जो कैपेसिटर्स NC में होते हैं वो क्यों होते हैं, जो कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं वो क्या काम करते हैं, सारी चीजें यहाँ पर प्रैक्टिकली सिखाई जाती हैं। सिर्फ यहाँ पर ड्रॉ करके नहीं दिखाया जाता, बातों से नहीं बताया जाता, प्रैक्टिकली यहाँ पे बताई जाती है। इंडिया की सबसे बड़ी लैब यहाँ बनी हुई है, सबसे मोस्टली जो सबसे लार्ज अमाउंट ऑफ यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते हैं। ये चीज आप गैजेट नगरी के चैनल पे भी देखेंगे, क्योंकि वो एक अच्छा रिव्यू देते हैं और एक जेन्युइन रिव्यू देते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस बार मैं आपसे कह रहा हूँ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।
तो दोस्तों आ गए मेरे वर्किंग टेबल पे। यहाँ पर मैं आपको इस डिवाइस के बारे में बताना चाहता हूँ। सो बताऊंगा, पर इससे पहले मैं थोड़ा आपको अभी का अपना काम दिखा देता हूँ कि क्या एक्चुअली मैं कर रहा था। सो यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अभी A11 CPU निकाला है। ये आईफोन X है और बेसिकली इसमें बूटिंग का फॉल्ट था और कुछ मिली एम्पियर लेके ये जीरो पे जा रहा था। तो इसका जो फॉल्ट जो डायग्नोस हुआ वो ये हुआ था कि इसका जो CPU है उसको रिवॉल्व करके लगाना है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो, बिल्कुल अभी फ्रेश ही इसका निकाला है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक भी पॉइंट यहाँ पर डैमेज नहीं है, एक भी कंपोनेंट यहाँ से निकला नहीं है, बहुत इजीली निकला है। कैसे निकालना है, क्या है, क्या टेक्निक है, आप आइए कोर्स ज्वाइन कीजिए हमारे आईफोन का। ये हमारे क्या क्या स्क्रैपर हम यूज़ करते हैं, क्या टूल्स हम यूज़ करते हैं, क्या स्टेंसिल्स हम यूज़ करते हैं, तो सारी स्टेंसिल पे एक मैं अच्छा वीडियो बनाऊंगा आपको। स्क्रैपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। सो बेसिकली डायरेक्ट स्क्रैपर भी हम यूज़ नहीं करते हैं, उस स्क्रैपर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है यूज़ करने से पहले। सो ये मेरी वर्किंग टेबल है, एक बार वर्किंग टेबल में आपको दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा आपको बाद में एक बार बता दूंगा कि मैं क्या क्या यहाँ पर पर्सनली एज अ टीचर मैं यूज़ करता हूँ और काम करता हूँ यहाँ पर। तो अभी जो बात चल रही है इस डिवाइस की, ये हाल ही में आज ही मैंने परचेज किया और आज ही सवेरे मेरे को डिलीवरी हुआ है। ये बिल्कुल मॉर्निंग में, हालांकि एक दिन पहले डिलीवर हो चुका था और कुरियर जो मुझे इस मॉर्निंग में मिला है ये मैंने परचेज किया है। रीज़न सबसे पहले मैं बड़ा रीज़न मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। क्या होता है कि हमारे फ़ोन, हमारे जो शॉप में होते हैं, हमारी जो दुकान में, हम जनरली इस तरह के स्टेंशन बोर्ड का यूज़ करते हैं जहाँ पर हम अपने बनाए हुए फ़ोनों को चार्ज करने के लिए, जैसा अभी कस्टमर के फ़ोन आया उसको चार्ज करना भी तो ज़रूरी है, चार्ज करना है, तो हम इस तरह से फिर अलग अलग अपने चार्जिंग जो यहाँ पर डिवाइसेस यूज़ करते हैं। जैसे कि आप चार्जर देख रहे होंगे, ये मेरे आईफोन के चार्जर है, ये नॉर्मली एंड्रॉयड के चार्जर है। सो ये बहुत पमारा हो जाता है बेसिकली। सो अभी आपको एक्सटेंशन बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सारे चार्जर की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक डिवाइस को परचेस करें और रिकमेंडेड है ये डिवाइस। ये थोड़ा सा महंगा है, ये 1650 रुपये का। आप इसको थोड़ा कम में भी आप परचेस कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक 1400 रुपये का भी आता है, इससे थोड़ा कम 8 पोर्ट का, और इसमें 6 पोर्ट का भी आता है, वो 1000 रुपये से चालू हो जाता है। इसमें डोंगल जैसा भी आता है जो 500-600 रुपये और 700 रुपये में भी आपको मिल सकता है। सो ये कहाँ से परचेस करें, ZX मलिक, नीचे नंबर दिख रहा होगा, आप ZX मलिक के पास जाएं और इसको परचेस करें। ये सिर्फ चार्जिंग नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे मोबाइल जो इंडस्ट्री, हमारे मोबाइल लाइन में जो हमारे टेक्नीशियन भाई हैं, उनको एक जो फॉल्ट आता है कि चार्जिंग, फेक चार्जिंग का, कि फेक चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ये इससे फॉल्ट को जज कर सकते हैं कि उनको पता चल जाएगा कि चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। या फिर हम बात करें लीकेज, चार्जिंग में जो लीकेज है ये भी यहाँ से ये पता कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों ये पता कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसमें मैं पूरा आपको बताऊंगा किस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पर वायरलेस है, पर वायरलेस इसका इतना इफेक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा चार्ज करता नहीं है, फिर भी चलिए ठीक है। नॉर्मली हमारे चार्ज को बनाए रखेगा, बहुत ज़्यादा स्टोर तो नहीं करेगा पर बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखना जो पड़ रहा है, यहाँ पर 8 पोर्ट आपको दिख रहे हैं और यहाँ पे लिखा हुआ USB चार्जर, जो 5.2 वोल्टेज है DC है ये भेज रहा है, ये आउटपुट है जो हमारे सोर्सेस हैं जो हमें चार्ज करने के लिए जो इनपुट वोल्टेज चाहिए, और यहाँ पर जो उस वोल्टेज को कंज्यूम करेगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपने घर के TV, AC सब कुछ निकाल दें बेसिकली और सिर्फ उसके वायरिंग रहने दें और सारे प्लग ऑन कर दें, तो क्या आपका बिजली का बिल आएगा क्या? नहीं आएगा ना, क्योंकि जब तक आपका TV ऑन होकर वो करंट को कंज्यूम नहीं करेगा तब तक वो बिल कंजप्शन नहीं होगा। वैसे ही जब तक आपका चार्जिंग IC रेगुलेट करके आपके बैटरी को नहीं देगी और बैटरी कंज्यूम नहीं करेगा तब तक कि यहाँ पर एम्पियर शो नहीं होगा। तो ये सबसे बेस्ट है कि अगर आपके पास एक फेक चार्जिंग आ रहा है, आपको लग रहा है चार्ज, अगर किसी ने फोन दिया कि चार्ज नहीं हो रहा, आप डायरेक्ट इसमें लगाओ, और अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है 0 0 0 तो डेट मीन ये चार्ज नहीं हो रहा, मतलब आपको सीधा आपको यहाँ उसके सर्किट में काम करना है। कुछ भी फॉल्ट हो सकता है उसके इनपुट सप्लाई में, उसके आउटपुट सप्लाई में, या फिर हम बात करें यहाँ पर फॉल्ट जा सकता है उसकी चार्जिंग IC पर, उसके कोड रजिस्टर, या बहुत सारी चीजें जो चार्जिंग के इनपुट आउटपुट में लगी होती हैं। अगर आपको नहीं आता है ट्रेसिंग करना, अगर आपको सर्किट का नॉलेज नहीं है, आप सर्किट डायग्राम ढूंढ रहे हैं गूगल पे नहीं मिल रहे हैं, और गूगल और सर्किट डायग्राम पर डिपेंड है अगर आप,
सो हमारे यहाँ आइए, विदाउट सर्किट डायग्राम किस तरह से चेक किया जाता है ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब देखिएगा यहाँ पर मैं किस तरह से वर्क करता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नॉर्मली कीपैड फोन यूज करता हूँ, फिर एक एंड्रॉयड फोन का बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर अपना 5 पिन का नॉर्मली यूएसबी कनेक्टर यहाँ पर यूज किया है, यूएसबी केबल। अब जैसे ही देखो, पहले विदाउट बैटरी अगर मैं बात करूं, जैसे ही मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पर, विदाउट बैटरी देखिएगा, विदाउट बैटरी मैं लगा रहा हूँ। मैं ये चेक करना चाहता हूँ अगर ये फोन डेड भी है, मान लो अगर ये फोन डेड भी है, हो सकता है क्योंकि आजकल की जो चार्जिंग आईसियां आ रही हैं वो डीसी डीसी कन्वर्टर में आ रही है, तो हमें पता चल सकता है कि हम ये भी चेक कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर इसको मैं अगर सोर्सेस दूं, तो देखिए जैसे मैंने सोर्स दिया तो यहाँ पे कुछ एम्पियर शो होगा, मतलब कुछ ना कुछ चार्जिंग ने एम्पियर लिया। अब वो देख स्कोर रहा है क्योंकि बैटरी तो है नहीं है, तो बेसिकली ये एम्पियर जीरो पे आ जाना चाहिए, कुछ देर बाद ये एम्पियर जीरो पे आ जाना चाहिए। अगर ये एम्पियर कंटिन्यूस लगा हुआ है, चल रहा है, तो मतलब इसका मतलब है कि वो एम्पियर खा रहा है, विदाउट बैटरी एम्पियर खा रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं लीकेज हो सकता है। ये फॉल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग ये फॉल्ट नहीं देते, तो आज मैंने आपको ये फॉल्ट यहाँ पर दिया है। इसके लिए आप लाइक जरूर कीजिएगा, जितना हो सकता है आप लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक और एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। पर अगर मुझे बहुत ज्यादा लाइक मिलेंगे, क्योंकि मैं कभी मांगता नहीं, पर इस बार मुझे मांगना पड़ रहा है। अब देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक ये जैसे कि आपको बताया ये को 00 पे है, ये एक ओप्पो का हैंडसेट है। यहाँ पर मैं बैटरी लगाता हूँ, फिलहाल ये बैटरी लगी हुई है, बिल्कुल ओके मोबाइल है, चालू है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर चार्जर लगाया, सो आप देखिए ये जो चार्जिंग लिया इसने 0.5 मिली एम्पियर 0.7, ये देखिए जो ये कंज्यूम कर रहा है, और ये जब ये थोड़ा और चार्जिंग पर आ जाएगा तो ये 0.1 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर तक भी जा सकता है, ये इसकी खपत है। बेसिकली ये इतना 1 एम्पियर तक चार्ज ले रहा है। अब आप भले ही कितने भी एम्पियर का लगा दो, ये लेगा उतने ही एम्पियर का चार्ज। देखिए 0.92 चला गया, अगर 5 यहाँ पर आ जाएगा तो एटलीस्ट 1 एम्पियर यहाँ पर बन जाएगा। तो देखो क्योंकि बैटरी लगी हुई है तो ये कंटिन्यूस आना चाहिए, बैटरी लगी हुई है ये कंटिन्यूस आना चाहिए। देखिए यहाँ पर चार्ज हो रहा है, एटलीस्ट मैं ये लगा के डेड मोबाइल में चेक कर सकता हूँ मेरा चार्जिंग हो रहा है। मान लो सपोज डेड मोबाइल में डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो ये एम्पियर थोड़ा कम दिखाएगा, पर दिखाएगा एम्पियर। अब तो मतलब मेरा चार्जिंग का जो पाथ है वो सर्किट बिल्कुल सही है। अब अगर मैं इसको निकालूं तो देखो ये जीरो हो जाएगा। अब मैं इसका बैटरी निकालूं, अब देखिए मैंने इसका बैटरी निकाल दिया, आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर बैटरी यहाँ पर निकला हुआ है। अब मैं इसको लगाऊं यहाँ पर तो ये कुछ एम्पियर लेगा क्योंकि ये डिस्प्ले में शो करता है, पर क्योंकि बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो ये जीरो चला जाना चाहिए। तो जैसे ही डिस्प्ले में शो करेगा उतना एम्पियर लेगा, क्योंकि जो डिस्प्ले को जो वोल्टेज मिल रहा है जो भी है वो इसी चार्जर से मिल रहा है, क्योंकि वो ये कंज्यूम कर रहा है। देखिएगा नो, जैसे मैंने यहाँ लगाया, जैसे मैंने यहाँ लगाया तो देखिए 0.10 एम्पियर जा रहा है यहाँ पर, ये देखिए क्योंकि इतना ये डिस्प्ले ले रहा है, ये डिस्प्ले में जितना भी, ये देखो अब जीरो हो गया क्योंकि डिस्प्ले अब कुछ भी नहीं ले रहा है, मतलब ये फोन में ना लीकेज है ना कोई सा भी फॉल्ट नहीं है। अभी जरूरी नहीं है कि लीकेज कहीं भी हो सकता है लीकेज कहीं और हो, पर ये चार्जिंग सेक्शन में लीकेज नहीं है, एटलीस्ट मेरे चार्जिंग के पाथ में कोई भी लीकेज नहीं है। तो इस तरीके से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम अपने इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं, क्लास में सिखाते हैं, तभी स्टूडेंट बहुत दिल से कहते हैं इंडिया का नंबर 1 एसर टेलीकॉम चैनल है, आप बिल्कुल आइएगा। ये मैंने आज ही परचेज किया हुआ है, मैं बहुत पहले भी इसका वीडियो बनाना चाहता था। हमारे इंस्टीट्यूट में इस ऐसे कम से कम 6 प्रकार के डिवाइसेस लगे हुए, अलग अलग टाइप के, ये मैंने अलग ही परचेस किया हुआ है, और ये परचेस मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए किया हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था वो पमारा सा बैठ जाता है, अब ये बेसिकली मैं कहीं भी लगा सकता हूँ, जैसे मैं इसको यहाँ पर इस तरह से लगा सकता हूँ सामने, तो इस तरह से ये अच्छा सर्किट बन जाएगा। मैं इसको देखिएगा यहाँ पर पीछे यहाँ कहीं पे इसको लगा लूंगा तो काफी अच्छा ये दिखेगा भी, लुक भी अच्छा आएगा। और मुझे क्या करना है अगर मैं बात करूँ तो मुझे सिर्फ यहाँ पर इसका पोर्ट लगाना है, तो मुझे पता चल जाएगा कि चार्जर यहाँ पर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो ये बहुत अच्छा एक डिवाइसेस है, तो मुझे लगता है इसको आपको यूज करना चाहिए। अब देखिए इसको मैं फॉल्टी मोबाइल में लेता हूँ, देखिए ये एक लावा का फोन है, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आप जितना जरूरत से ज्यादा आप उसको लाइक और उसको शेयर करेंगे, मेरे वीडियो को जितने ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे लाइक करेंगे, तो मैं इसका चार्जिंग सेक्शन का बिल्कुल डीपली में जाकर वीडियो बनाऊंगा, जहां इसका चार्जिंग आईसी देखिए यहाँ पर ये जो 20 वोल्ट आईसी है, ये आपको डीपली में जाकर इसका वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। सो पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि बैटरी नहीं है फिर भी यहाँ पे कुछ कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है कंज्यूम होना चाहिए, तो एटलीस्ट वो चार्जिंग सर्किट बिल्कुल सही होगा। डिस्प्ले यहाँ पे दिखाई देगा, अगर चार्जिंग में कुछ प्रॉब्लम है, देखो सपोज ये फोन मेरे पास डेड आता और मैंने यहाँ पर लगाया, जैसे ही मैंने लगाया तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है,
ये बिल्कुल, ये पत्ता बिल्कुल सही है। देखिए नीचे का कनेक्टर भी लगा हुआ है, इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे वोल्टेज भी चेक कराता हूँ कि यहाँ पे 5.2 वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा देखते रहिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने चार्जर लगा लिया है, ये मैंने इसका माइनस को यहाँ पर इस तरह से कुछ सेट कर दिया है, और यहाँ पर ये मेरा एम्पियर लगा हुआ है। आप जैसे कि ये केबल देख रहे होंगे बिल्कुल यहाँ पर जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको इसके इनपुट वोल्टेज दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर चेक किया तो देखिए ये देखो 5 वोल्टेज आ रहे हैं, डीसी आ रहे हैं। अब मैं इसके आउटपुट में वोल्टेज चेक कराता हूँ सबसे पहले कि आउटपुट में इसको वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं आ, क्योंकि इसके हिसाब से ये बिल्कुल एम्पियर नहीं ले रहा है, तो इसके हिसाब से बिल्कुल ये खराब होना चाहिए, मतलब चार्जिंग सेक्शन आपका काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसको चेक करता हूँ, देखिए यहाँ पर 0 है। चलो मैं यहाँ भी चेक करके दिखा देता हूँ, ये देखिए कोई भी यहाँ पे वोल्टेज नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है आउटपुट में। ये इसका चार्जिंग सेक्शन है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20 वोल्ट का आईसी, और ये बूस्ट कॉइल और कुछ कैपेसिटर और ये कोड रजिस्टर लगा हुआ है। कोड रजिस्टर आउटपुट में होता है, इसको मैं चेक करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पर लगाया, यहाँ पर भी आपको कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। इस पर मैं पूरा वीडियो बना दूंगा, पर मुझे कम से कम 500 के ऊपर लाइक चाहिए। जितने लोग देख रहे हो उतने लाइक कीजिए, 500 पर जैसे ही मुझे लाइक मिलता है मैं इसका कंप्लीट एक सोल्यूशन देता हूँ आपको। और जैसे मैंने इस कैपेसिटर पे लगाया तो देखिए मुझे एक इनपुट वोल्टेज मिल गया, क्योंकि एक इनपुट वोल्टेज में, पर ये चार्ज नहीं हो रहा है दोस्तों। तो ये कैसे पता किया, डायरेक्टली मेरे इस डिवाइस से। तो ये डिवाइस आप परचेस कीजिए, काफ़ी अच्छा डिवाइस है, और मुझे लगता है कि आपको मोबाइल बनाने में काफ़ी दिक्कत नहीं जाएगी। जो चार्जिंग के मोबाइल हैं, जो फेक सोल्यूशंस आते हैं जनरली, वो सोल्यूशंस आप बहुत आसानी से इससे चेक कर सकते हैं। तो इसमें आप सब और अच्छा है कि आप जब अपने इसको दुकान पे कहीं यूज़ करेंगे, कहीं लगाएंगे, तो आप इसको किस कैसे भी लगा सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ लगा रहा हूँ, या मैं इसको यहाँ लगा रहा हूँ, कहीं भी अच्छी जगह पे आप इसको लगा सकते हैं। और वायरलेस इसका ज़्यादा अच्छा नहीं है, यूज़ करने के हिसाब से इसका वायरलेस इतना ठीक नहीं है, तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं ZX Malik, आप परचेस कीजिए ZX Malik, तो ये मैंने आपको लिंक दे दी यहाँ पर नीचे, ZX Malik से आप इसको परचेस कर सकते हैं। अगर आप ZX Malik से परचेस करते हैं तो आपको ये 5% तो आपको ये 10% डिस्काउंट पे भी दे देंगे वो आपको। जो भी मार्केट रेट है आप पता करो, फिर ZX Malik से पूछो ये भाई कितने का मिल रहा है, जो भी रेट मार्केट में चल रहा है उससे 10% लेस में वो आपको दे देंगे। और इसके साथ अगर आपको यहाँ पर आईफोन का काम सीखना है तो आप एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करो, हमारी आईफोन का बैच बहुत अच्छा चल रहा है। गैजेट नगरी पर भी उसके व्यू हैं, और गैजेट नगरी पर भी उसके रिव्यू हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक A11 CPU को रेबॉलिंग एक आपको डालूंगा, और कुछ स्टेंसिल्स के बारे में वीडियो बनाऊंगा। एक स्टेंसिल्स मैंने यहाँ पर परचेस की हुई है, देखिए पीछे रखी हुई है, तो ये मैंने भी आज ही परचेस की हुई है। इस स्टेंसिल पर भी मुझे वीडियो बनाना है, ये आपको बताऊंगा ये। और आप ये ZX Malik से आप इसको परचेस कर सकते हैं, ये देखिए ये सारी स्टेंसिल्स हैं यहाँ पर, ये सब परचेस की हुई स्टेंसिल है। कैसी क्या क्वालिटी है आपको इस पर बताएंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने एशिया टेलीकॉम को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो और लाइक करो, उसके वीडियो जाओ, हमारे आईफोन का जो वीडियो है, जो फर्स्ट बैच सक्सेस स्टोरी है वो देखिए। यहाँ पर सिर्फ स्टोरी नहीं डाली है, प्रैक्टिकल व्यू डाले हैं कि किस तरीके से एक स्टूडेंट ने, जो बेसिक स्टूडेंट है जिन्होंने आंसर ट्विजर भी नहीं पकड़ा, उसे हमने यहाँ पर लाइट ग्राफिक्स आईसी लगवा कर प्रैक्टिकली दिखाया है। तो यहाँ पर और समीर सर के साथ भी हमने यहाँ पर वीडियो बनाया हुआ है, तो समीर जी के चैनल पर भी हमारा वीडियो देखिएगा, क्योंकि वो फेक वीडियो नहीं बनाते हैं, और वो यहाँ आए हमारे पास, 3 दिन उन्होंने गुजारा है और काफ़ी फैमिलियर सा महसूस किया। सो अगर समीर सर देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच समीर सर आपका यहाँ आने के लिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास एक PCB होल्डर है, काफ़ी अच्छा PCB होल्डर है ये, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और तो मैं इसके बारे में भी आपको कुछ बताऊंगा, जो जो आप मुझसे पूछेंगे मैं उसके बारे में आपको डिटेल दूंगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका चार्जिंग आई सर्किट बनाऊं आपके लिए, और इसको इसके 20 वोल्ट को एक्सप्लेन करूं कहां क्या इसका GR और कहां क्या क्या होना चाहिए, कितने वोल्टेज कहां होने एनेबल क्या है, सारी चीज़ आपको चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए मैं इसको बनाऊंगा, पर 500 लाइक के ऊपर ही बनाऊंगा। अगर 500 लाइक नहीं मिलते हैं तो फिर मैं नहीं बनाऊंगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ।
तो 500 लाइक के लिए आप लोग भी बोलिए, नीचे कमेंट कीजिए, लाइक करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे मैं आपको उतना अच्छा ये वीडियो बना के दूंगा। सो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच जुड़े रहे चैनल से, और ज्वाइन करें इसे टेलीकॉम हमारा एंड्रॉयड का बैच, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, जो बच्चे बिल्कुल बेसिक में है या जो 10 साल से काम कर रहा है, जिनको कंपोनेंट का भी नॉलेज नहीं है, जिनको सर्किट सीखना है, सर्किट डायग्राम सीखना है, सर्किट सीखना है, ऐसी ट्रेसिंग सीखनी है, ऐसी सर्किट बनाने हैं, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का वीडियो हमारा ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको सीखना है यहाँ पर आईफोन, तो आईफोन ट्रेनिंग हमारे हैं, आईफोन की क्लासेस। अगर आपको ईएमएमसी सीखना है तो ईएमएमसी ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखना है तो सॉफ्टवेयर भी आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, यहाँ तो बहुत नॉलेज मिल गया मेरे को, जाके प्रैक्टिस भी बहुत करना है। तो क्या कहना चाहोगे नए स्टूडेंट अगर आते हैं यूएमसी करना चाहते हैं या फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहोगे? सर वो जो भी वो डिसीजन लेंगे तो वो बिल्कुल सही रहेगा, अगर यहाँ आएंगे तो सही डिसीजन होगा, अगर कहीं और जाओगे तो आप घूमते रहोगे बस काम में, हर जगह घूमते रहोगे, लेकिन अगर डायरेक्ट अगर आपको काम एकदम परफेक्टली सीखना है तो आपको यहीं आना पड़ेगा, और आपको कहीं फिर बाद में किसी से भी कोई हेल्प जाने की जरूरत नहीं, इधर जाने की जरूरत नहीं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बाद डायरेक्ट, क्योंकि मैंने वही किया था, हार्डवेयर किया सॉफ्टवेयर भी किया, प्लस में सॉफ्टवेयर तो आता था लेकिन उसमें भी मेरे को सर और डॉट्स निकल गए जो मैं नहीं करता था मार्केट में, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं और जाके सीखने की, अभी तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी इतना स्टूडेंट आके यहाँ सीखना चाहते हैं तो उनको क्या बोलना चाहिए? आप कहीं भी नहीं जाना है, खाली एशिया टेलीकॉम चूज कर लो, नंबर वन बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जाना है, आप खुद प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के बाद नंबर वन बन जाएगा। दिल से बोल रहे हैं आपके, मैं जबरदस्त बुलवा रहा हूँ, मैं ऐसा दिल से कह रहा हूँ, दिल अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे एकदम 100% फुल प्रैक्टिकल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपको किताब कापी भी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज हो मोबाइल में जितने सारे कंपोनेंट लगे होते हैं उसमें कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगा होता है, किस सेक्शन में लगा होता है, क्या काम करता है, इसमें कौन कौन सा वैल्यू आता है, और जब ये खराब होगा तो इसमें कौन कौन सा कितना कितना वैल्यू दिखा सकता है, यहाँ 100% पूरी इसकी जानकारी दी। यहाँ पर आपने साथ में है 28 दिसंबर का बैच, और सबसे पहले मैं यहाँ शुरुआत करना चाहूंगा कि यहाँ पर हम कितने दिन का आउटपुट दे रहे हैं बताइए, 5 दिन। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि 5 दिनों में किस किस को आईसी रिबोलिंग करना यहाँ सीखा है, किस किस ने हाथ उठा के बताइए, यहाँ पर आईसी रिबोलिंग करना सीखा है आप लोगों ने, ठीक है? अच्छा, हाथ नीचे कीजिए। आप में से कौन कौन फ्रेशर है जिसने बिल्कुल काम नहीं किया, बिल्कुल भी, जिसने बिल्कुल भी काम नहीं किया, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब मुझे बताइए किस किस ने लाइव मोबाइल में से सीपीयू निकाल के लगाकर चालू किया है सेट को, एक हो गया डेड मोबाइल से लगाना, एक हो गया चालू हैंडसेट से सीपीयू निकाल के वापस को चालू करना, आज सबने, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब अपने नंबर बताइए कि किसने एक से दो से एक ज्यादा बार किया है, जैसे किस किसने किया है, एक बार हाथ उठा के बोलिए बताइए। मैंने चार बार किया, 5 बार सर, 3 बार, 6 बार किया, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार किया, 4 बार, 6 बार सर, 3 बार किया, 3 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार। अरे वकार खान ने भी 2 बार किया है, वेरी गुड, 7 बार, वेरी गुड, 2 बार सर, 2 बार, 2 बार। जो अपना बोल नहीं पाए वो बोले प्लीज, 6 बार किया आपने, 6 बार किया है, 4 बार, 4 बार किया है, वेरी गुड, 5 बार सर, 2 बार सर, इसमें से 2 बार, 2 बार, तुम तो फ्रेशर हो ना बिल्कुल, 2 बार सर। कि वो लोग हाथ उठाओ जो फ्रेशर थे, बिल्कुल जो फ्रेशर आए थे, बिल्कुल आप में से फ्रेशर कौन है जिन्होंने काम नहीं किया है, सो आप लोग इतने सारे लोग फ्रेशर है, ठीक है, सो आप जैसे कि देख रहे हो कि इतने सारे लोग फ्रेशर है, अब उनमें से आप लोग हाथ उठाओ किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, आप सबको रिबॉलिंग आती है, यस सर भी बोलना है एक बार, ठीक है सर, अच्छा ठीक है, आप नीचे के लिए आप किन किन ने वन टाइम सीपीयू निकाल कर वापस लगा के ऑन सेट में उसको चालू किया हुआ, हाथ उठा के बताओ। सो यहाँ पर वन टाइम सीपीयू निकाल के, अब एक बार अपने नंबर बता देना अगर किन्होंने एक एक नंबर से ज्यादा किया है, नीचे रख लो, कौन कौन ने ज्यादा किया है, एक बार नंबर बोल दो अपना, 8 बार बैठे रहकर, 8 बार किया तुमने, 3 बार सर, 3 बार, 2 बार, 2 बार, नंबर बोलते रहो, 2 बार सर, 2 बार, नंबर बोलते रहो बस, 14 बार सर, 14 बार, क्या बात कर रहे हो, इतना 2 बार किया, 2 बार किया, ये फेक तो नहीं बन रहा है, बताओ, 3 बार ऑन मोबाइल में, बिल्कुल आपने किया है, कौन कौन लोग है जिन्होंने रिबॉलिंग आती है जिनको, हाथ उठाइए, जिनको रिबॉलिंग आती है, सबको रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, चलिए ठीक है, हाथ नीचे के लिए, किस किस ने यहाँ पर चालू मोबाइल में सीपीयू निकाल के उसको फिर से चालू किया, हाथ उठाइए,
तो यहाँ पर सबने चालू किया, यहाँ पर 5 दिन का आउटपुट बता रहा हूँ, सिर्फ 5 दिन की, 5 दिन में, अभी 30 दिन की क्लास है, नीचे रख लो हाथ, 30 दिन की क्लास है और आपने सिर्फ 5 दिन में बता रहे कि आपने किया, किसने एक से ज्यादा बार किया, आपने नंबर बोलिए, हाथ उठाइए, नंबर बोलिए, 5 बार आपने सीपीयू निकाल के लगा के चालू किया, मैंने 6 बार, 6 बार, 5 बार, 6 बार, 6 बार, सर 5 बार, 7 बार, बोलते जाओ, नंबर बोलते जाओ, 5 बार, 4 बार, 2 बार, 6 बार, 5 बार, 5 बार, 3 बार, 2 बार, 2 बार, तो यहाँ पर आप लोग ने 2 बार, तो 4 बार, यहाँ पर ये जो आप मुझे अपना रिव्यू दे रहे हैं, क्या वो फेक तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर? तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है बिना सर्किट डायग्राम के। अच्छा, किस किस को स्कीमेटिक रीड करना अभी बन जाएगा, मुझे बताओ, सर्किट डायग्राम एटलीस्ट रीड करना बनेगा यहाँ पर, क्योंकि सर्किट डायग्राम रीड करना नहीं, रिसीवर और रिंगर जिस